बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों बालाघाट, राजगढ़ और खरगोन के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। खरगोन लोकसभा सीट से बीजेपी ने गजेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया है। पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। समर्थकों को जैसे ही पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर मिली तो उन्होंने जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। टिकट फाइनल होने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू होते ही गजेंद्र पटेल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कमलनाथ सरकार पर बरस पड़े। गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ही नहीं पूरी कांग्रेस ही झूठी है। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। अब किसान समझदार है, वो जानता है कि उसे किसको वोट देना है। डालेगा क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी कांग्रेस झूठ बोलती है। और रही बात मध्य प्रदेश की सरकार की, तो हम सिर्फ अंकों के गणित में पीछे हैं। हम 109 पर हैं और वो 114 पर हैं। और अगर वोटों का प्रतिशत देखें तो उनसे हमको 2 लाख 2.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो सिर्फ अंकों का खेल है। आज भी हम सरकार बनाने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, 4-6 सीटों ज्यादा है। लगता है कि लोकसभा के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी तो हम लोकसभा में हमारी सरकार बन रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद जो होगा सब सामने आएगा। कांग्रेस विधायक अरुण जोशी का कहना है कि गजेंद्र पटेल हमारे को चुनित नहीं। मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और चुनौती और नई चुनौती है तो मैदान में देखी जाएगी। और ये लोकसभा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इसके पहले सुभाष यादव भी यहाँ के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हराया है। वो भी उस समय चुनौती नहीं मानते थे। तो रामेश्वर पाटिल साहब मध्यप्रदेश जैसा बड़ा नेता को भी हरा के दिखा है कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ताकत है। आपके खिलाफ जो है गृह मंत्री जो प्रदेश के बाला बच्चन, उनकी पत्नी आ रही है, तो क्या मानते हैं चुनौती? प्रदेश सरकार के गृह मंत्री की पत्नी आपके सामने लड़ेगी? हम तो विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और हम इस मुद्दे पर ही चुनाव जीतेंगे। हमारे लिए बाकी सब चुनाव मैदान में से बात होगी। क्या मानते, क्या कहना? सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं से ना तो उनको टिकट मिला था, कार्यकर्ता मंडल को टिकट मिला था। सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है। ये परिवर्तन में कोई किसी का टिकट काट करने की आया था, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नहीं है। जहाँ पर जिस प्रकार के कार्यकर्ता का जहाँ पर उपयोग होता है, वहाँ पर उपयोग किया जाता है। एमपी में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस लोकसभा में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी कमलनाथ सरकार को किसानों के मुद्दे पर ही घेरने में जुटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनावी चौसर में कौन किसे मात दे पाता है। फिलहाल इसके लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।